एक सवाल मेरे मन में कई बार आता है और आप लोगों के भी आता होगा कि जो ये अनुसूचित जनजातियां हैं, ट्राइब्स हैं, उनसे एक आम नागरिक क्या सीख सकता है, हिमाचलवासी या भारतवासी क्या सीख सकता है। तो मेरी ब्रदर्स से मेरी डिस्कशन हो रही थी आज भाई दूज के इवेंट पे, फंक्शन पे, तो बात ये निकलने में आई कि ट्राइब्स हमें कुछ बातें बहुत महत्वपूर्ण सिखाती है जो जीवन में काम आने वाली हैं। पहला है कि मनी इज नॉट एवरीथिंग, मनी कैन नॉट इंश्योर योर हैप्पीनेस, क्योंकि आज पैसा बहुत सारा है लोगों के पास लेकिन चैन की नींद नहीं है। लोग करप्शन कर रहे हैं सैलरीज मिलने के बाद भी, लोगों में ऑनेस्टी इंटीग्रिटी जैसी वैल्यूज सिर्फ और सिर्फ एग्जाम के पेपर लिखने तक सीमित रह गई हैं। तो ये चीज कहीं ना कहीं ट्राइब से सीखने वाली है कि आपके पास जो भी है उसमें आप संतुष्ट रहें, अच्छे से खाएं, चैन की नींद लें, और अगर कोई चीज ज्यादा है तो उसको शेयर करने में बिलीव रखें। तो यहीं से हम सेकंड वैल्यू पे आते हैं कि लोगों में जो एक शेयर करने की भावना है वो आज के समय में मिसिंग है। जो होड करने की एक दौड़ लगी हुई है, आप सभी ने एक मूवी देखी होगी जो मेरी भी वन ऑफ द फेवरेट मूवी है, तुम्बाड़। जिन्होंने नहीं देखी वो जरूर इस मूवी को देखिएगा। तुम्बाड़ में दिखाते हैं कि एक पिता जो है वो लालच के साइकिल में कैसे फंसता है और अंत में एक बच्चा जो है उस साइकिल से बाहर कैसे निकलता है। तो बेहद खूबसूरत कहानी है। तो ये भी चीज मुझे लगता है हम ट्राइब से सीख सकते हैं। ट्राइब से एक और चीज हम लोग सीख सकते हैं कि वो लोग अपनी कम्युनिटी को कितनी ज्यादा तवज्जो देते हैं। एक और मूवी मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी, क्योंकि बहुत सारी मूवीज हमारी ट्राइब्स पे नहीं बनती है। अभी एक सीरीज आई है आपकी नेटफ्लिक्स पे है, काला पानी, तो उसमें आप देखेंगे कि जो अंडमान की ओरावा ट्राइब है तो वहां का जो मुखिया होता है उनको पता चलता है कि एक एपिडेमिक हुआ है, तो उस मुखिया के बेटे को ही एपिडेमिक होता है। तो वो क्योंकि कम्युनिटी को ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, उनको पता है कि एक को नहीं पूरे कम्युनिटी का संरक्षण करना है, तो वो अपने बच्चे का ही त्याग कर देता है। तो मुझे लगता है कि क्योंकि हम ट्राइब्स के बारे में इतना नहीं जानते, बट ये डेफिनेट सी बात है कि जब उनको चुनने की बारी आएगी तो वो अपने बच्चे या अपने भाई या अपने बहन को नहीं, वो पूरी कम्युनिटी का साथ देंगे। तो कम्युनिटी की जो एक वैल्यू है वो मुझे लगता है हमको ट्राइब से सीखने को मिलती है। कॉपरेशन कैसे करना चाहिए आपस में, ये भी इंसान आज के समय में मॉडर्न मैन भूलता जा रहा है। एक और चीज मेरा ब्रदर मुझसे डिस्कस कर रहा था कि अडेप्टेबिलिटी भी इन लोगों में गजब की होती है। आज का समय जब डिस्प्लेसमेंट माइग्रेशन इतना ज्यादा हो रहा है, सरकार ही भूमि ले रही है चाहे वो हाईवे बनाने के लिए, जगहें बनाने के लिए, तब भी अडेप्टेबिलिटी जो है इन ट्राइब्स में देखने को हमको एक वैल्यू मिल रही है। ये कहीं भी जाते हैं वहीं उसी एनवायरमेंट में अडेप्ट हो जाते हैं। सो दिस इज समथिंग वी शुड लर्न फ्रॉम द ट्राइब्स। एक लास्ट चीज मुझे और याद आ रही है कि ट्राइब्स में एक और चीज है, वो है नेचर के साथ हार्मनी में रहना। आज इतने डिजास्टर्स हैं, इतने एपिडेमिक्स हो रहे हैं, लेकिन फिर भी आप देखेंगे कि हमारे जो एपिडेमिक्स वगैरह हो रहे हैं, इंसान नेचर के साथ रहना भूल गया है। चाहे वो कोविड-19 का ही पैंडेमिक है, कई सूत्रों से बोला कि एक मैन मेड डिजास्टर है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इंसान अपने आप को प्रकृति से बड़ा समझने लगा है। ट्राइब्स हमेशा प्रकृति का साथ निभाती आई है, इसीलिए प्रकृति ने भी कभी भी ट्राइब्स का साथ नहीं छोड़ा। तो ये आज के डिस्कशन का मुझे कुछ थोड़ा बहुत लगा कि मैं आप लोगों से डिस्कस करूं, और ये मेरा ब्रदर प्रणव है, तो आज इसी का सजेशन था कि मैं ट्राइब्स के बारे में बताऊं कि जो ट्राइब्स होती हैं वो किस तरीके से हमको एक मॉडर्न मैन को सिविलाइज सोसाइटी में जो जीना है वो सिखा सकती हैं। सो एक लास्ट में मैं प्रणव से बोलना चाहती हूँ कि प्रणव, आज जनजातीय दिवस है, तो आप डू यू वॉन्ट टू से समथिंग? जी बिल्कुल, मैं सबको ये बात बताना चाहूंगा कि मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ प्रोविजंस जो होते हैं वो काफी नहीं होते किसी भी कम्युनिटी को अपलिफ्ट करने के लिए। रादर एक कम्युनिटी एफर्ट जो है वो ज्यादा जरूरी होता है, जहां सब एक दूसरे को समझे। तो सोसाइटी में बिहेवियर चेंज जरूरी है और सबको ज्यादा से ज्यादा जानना चाहिए कि ट्राइब्स कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हमने मेंशन किया कि ट्राइब्स से हम बहुत कुछ चीजें जो है वो सीख सकते हैं, तो यस, हमें ज्यादा से ज्यादा उनको अपने साथ सोसाइटी में इनकल्केट करना होगा। रही बात हम इंडिया की किसी भी रीजन की बात कर ले, इंडिया में ट्राइब्स बहुत सारी है, तो सबसे पहले जरूरी बनता है कि हम उन्हें कभी भी निग्लेक्टेड फील ना कराएं और ज्यादा से ज्यादा हो सके उन्हें कम्युनिटी में इंडल्ज करने की कोशिश करें। एंड आई वुड लाइक टू ऐड आल्सो कि हम उनके तरीकों में इंट्रूड ना करें। उनके तरीके जो है वो टाइम टेस्टेड है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जब बात आती है तो ट्राइब्स उसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है। सो अब मेरी मदर ने मजाक करना शुरू कर दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू।